डॉक्टर सोनाक्षी और डॉक्टर ऋत्विक दोनों के दिल मिलने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। इस बात की खबर पूरे जहां को हो गई है, क्योंकि दोनों अपने घर वालों की सहमति से ये फैसला ले लिया है कि दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे, यानी कि शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो गए हैं ये दोनों। की सिचुएशन एक जैसी ही है। इधर सोनाक्षी का देव के साथ ब्रेकअप हुआ, तो वहाँ पर ऋत्विक का भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। दोनों के दिलों ने चोट खाई है, इसीलिए अब दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। कोई भी इस रिलेशनशिप में होता है तो उसे किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, एंड यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, जो आपको समझे और आपको समझ के सपोर्ट करे। मैरी सोनाक्षी एंड Also, I understand जो सिचुएशन से वो गुजर रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऋतिक भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका है, तो इसलिए सोनाक्षी बोलती भी है कि तुमने भी चोट खाई है, इसलिए तुम्हें दर्द का एहसास है। ऋत्विक, आपके विचार तो अच्छे हैं और कद काठी में भी ठीक ठाक ही है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर आपकी जोड़ी सोनाक्षी के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि कहानी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोनाक्षी और देव का रिश्ता इतने आसानी से नहीं टूट सकता, आगे जाकर इन दोनों को तो मिलना ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।